रूस के मीडिया ने पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसाने की कोशिश की। वहां के एक टीवी शो में हुई बहस का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुतिन से मांग की गई कि वो नेटो के खिलाफ परमाणु हमले का प्लान बनाए, क्योंकि अमेरिका ने नेटो के अलग अलग देशों में अपने परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं जो किसी भी वक्त रूस पर चलाए जा सकते हैं। यानी रूस का मीडिया कह रहा है कि अमेरिका के परमाणु हथियारों का जवाब देने के लिए रूस की सेना तैयार रहे, बल्कि एक प्लान बनाए। रूस के एक टीवी एंकर का तो एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें वो साफ साफ कहते दिखे कि रूस अब न्यूक्लियर ड्रिल करे। Ну, видимо, настало время и нам, может быть, провести, я об этом уже говорил, учения с отработкой сценария. यानी रूस का मीडिया पुतिन को परमाणु हमले के लिए उकसा रहा है और दलील दे रहा है कि यूक्रेन जंग के बाद रूस कभी भी नेटो के हथियारों का निशाना बन सकता है, इसलिए पुतिन चुप ना बैठे, वो अपनी ताकत दिखाएं। और वो भी ऐसे वैसे हथियारों की नहीं बल्कि परमाणु हथियारों की। यूक्रेन जंग 7वें महीने में एंट्री कर चुकी है, कई इलाकों पर रूस का कब्जा है तो कई उसके हाथ से बाहर, लेकिन रूस डटा हुआ है। उसने अब तक यूक्रेन पर परमाणु हथियार नहीं चलाए हैं, जबकि जंग के पहले ही महीने में पश्चिमी मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया था कि पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हथियार चला सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि पुतिन ने धमकी दी थी कि अगर नेटो यूक्रेन जंग में कूदा तो वो परमाणु हथियार चला देंगे। उन्होंने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को हाई अलर्ट रहने को भी कह दिया है, जिसके बाद दुनिया में खूब शोर हुआ। पश्चिमी मीडिया की बातों से लगा कि पुतिन परमाणु हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि नेटो की सेना ने यूक्रेन जंग में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब रूस का मीडिया ही पुतिन पर दबाव बना रहा है या यूं कहे कि उन्हें उकसा रहा है, जबकि पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि वो परमाणु हमला तभी करेंगे जब सामने से परमाणु हथियार चलेगा। वो अलग बात है कि कई बार खबर आई कि रूस ने परमाणु हथियारों से अभ्यास किया है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन अब रूस के न्यूज चैनल पर ही ये बहस चल रही है और मांग की जा रही है कि पुतिन परमाणु हमले के लिए तैयार रहें और नेटो को अपनी ताकत का एहसास दिलाएं।